स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में स्वदेशी आंदोलन के प्रथम शहीद बाबू गेनू के बलिदान दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में किया गया। गोष्ठी में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी का शुभारंभ बाबू गेनू और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। बाबू गेनू का जीवन परिचय देते हुए जिला संयोजक कपिल नारंग ने बताया कि किस प्रकार विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक के आगे बाबू गेनू खड़े हो गए और शहीद होने तक ट्रक को आगे नहीं बढ़ने दिया। आर्य समाज के ज्ञानेंद्र गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति के पश्चिमीकरण के कारण ही परिवार विघटित हो रहे हैं, जो समाज के लिए घातक हैं। अपनी स्वदेशी परंपराएं परिवार, समाज और देश को जोड़ती हैं। तो वहीं डॉक्टर संजीव ने स्वदेशी चिकित्सा पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं वरन जीवन शैली है, हमारे घर में ही अधिकतर बीमारियों का हल है। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, जिस पर सभी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। ज्ञान है वो आयुर्वेद कहलाया है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी 12वें रत्न हुए हैं। जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था तो 12वें रत्न हुए हैं और उस मंथन में जो विष था उसको शांत करने के लिए भगवान धन्वंतरी जी ने अमृत रूपी कलश जप दिया है, तभी जो है देवताओं को वो काम किया है और उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो आयुर्वेद का बहुत ही महत्व है। किस संबंध में आज की बैठक रही है? आज स्वदेशी जागरण मंच मुरादाबाद जो इकाई है अपनी, उसके तत्वाधान में स्वदेशी के इस अभियान में जो देश में आजादी से पहले चला था, तो सबसे पहला बलिदान हुआ बाबू गेनू। उन बाबू गेनू जी का आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 12 दिसंबर को 1930 में बाबू गेनू का बलिदान हुआ था। आज उन्हीं बाबू गेनू के बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है और सभी वक्ता इसमें कैसे हम इस स्वदेशी के अभियान को आगे बढ़ाएं, ये स्वदेशी का अभियान, ये स्वदेशी का विचार घर घर तक पहुँचे, इसमें सब लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आज इस विचार गोष्ठी के माध्यम से हम सब लोग स्वदेशी की अलग जगाने का जो काम पूरे देश के अंदर स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में चल रहा है, उसी की एक श्रृंखला में यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर देश को वैभवशाली बनाना है, इस भारत माँ को वैभवशाली बनाना है, तो स्वदेशी को अपनाना ही होगा। आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियां भारत के अंदर MNC काम कर रही हैं और देश का पैसा लूटकर विदेशों में ले जा रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने भारत की जनता से, अपने मुरादाबाद की जनता से, कि कम से कम देशभक्त होने का एक प्रमाण तो दीजिए। अपने प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं स्वदेशी आप उपयोग करें और स्वदेशी आचार विचार से और संस्कृति से हम लोग जुड़े और अपने बच्चों को भी जोड़े। इस अभियान को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज उसी संदर्भ में ये विचार गोष्ठी का आयोजन।